or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Hey, hello, guys, कैसे आप लोग। तो गाइज आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। आज गाइज जो है मैं शाम को स्ट्रीम करने वाला था, तो जैसे मैं शाम को स्ट्रीम करने बैठूंगा अचानक से मेरी जो प्राइवेट नंबर है उस नंबर पे जो है एक कॉल आया। तो कॉल पकड़ने के बाद मेरे को लगा, क्योंकि इस नंबर पे जो है मैं ज़्यादा बंदे को इस नंबर को दे के नहीं रखा, तो बहुत ही कम बंदों के पास जो मेरा ये प्राइवेट नंबर है, एंड मेरे को लगा ये कोई मेरा सब्सक्राइबर होगा जो मेरे को फ़ोन किया है। बट मेरे को बाद में पता चला ये कोई सब्सक्राइबर नहीं था। बट आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग है आपको सुनना चाहिए, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस कॉल रिकॉर्डिंग पे। और गाइस आई होप कि किसी बंदे का मोबाइल खोया है और उसकी मोबाइल भी जो जिसका भी मोबाइल खोया है उसको भी पता चलेगा इस वीडियो को देख के कि किसकी मोबाइल खो गई है। आप लोगों के अंदर ही किसी का मोबाइल खो गई है जो मेरा फ़ैन है। एंड दूसरी बात, आप इस वीडियो को देखने के बाद मतलब कौन सी जगह पे आपको सबसे अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। एंड जो भी अंदर चैनल पे न्यू आ रहे हो गाइस, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल दबाना मत भूलना। एम रखते 500 लाइक के, देखते कितने लाइक होते हैं। ऐसे अगर लाइक होते हैं तो मेरे पास और भी एक रिकॉर्डिंग है एक दूसरे बंदे का, बच्चे का, तो उसका भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। देखते गाइस कितने लाइक होते हैं। चलो इन्जॉय करो वीडियो को। तुमने देखे किसका नंबर है ये? पता नहीं यार कहाँ का नंबर, कहाँ मिला आपको नंबर भाई जी? ये हाँ ये सिम में फीड पड़ा था ऐसे ही। अच्छा पहले से सेव था क्या आपने सेव किया? मैंने सेव नहीं किया है। अच्छा पहले से कंपनी से सेव आया था मेरे को लगता है। नहीं ना, कि जिसका फोन खरीदा होगा उससे है। अच्छा खरीदा हुआ फोन है क्या? यस हाँ, सेकंड हैंड मोबाइल है भैया। अच्छा सेकंड हैंड मोबाइल है, यार यार नया खरीद लेते यार। आज के जमाने में सेकंड हैंड कौन खरीदता है भाई? वो तो सही है, लेकिन किसी को गिफ्ट करना है तो नया क्या करो। अच्छा गिफ्ट करने वाली है? अच्छा अच्छा गर्लफ्रेंड को दिया होगा, मेरे को यही लग रहा है। अरे गर्लफ्रेंड को देना क्या जरूरी है, और भी बहुत है यार। ओ भाई और कौन गर्लफ्रेंड छोड़ के किसको मोबाइल गिफ्ट करते हैं भाई? अरे इन्हें कितने दोस्तों को कर देते हैं हम तो भाई, गर्लफ्रेंड हमारे लिए क्या है। अच्छा दोस्तों भी, अरे अमीर इंसान है दोस्तों को भी मोबाइल गिफ्ट करते हैं, क्या बात है क्या? अरे हम तो गरीब है, खुद फोन खरीदने के पैसे नहीं है। ओ क्या बात कर रहे हैं आप। अरे क्या बात है, भीख मांग के एक फोन खरीदी तो भी टूट गया बाथरूम में गिर के। लगता है आप मजाकली में बात करना चाह रहे हैं, है नहीं? नहीं ऐसा तो कोई सीन नहीं है यार। क्या करते हैं तो आप? अरे यार ये तो काम करते हैं, वो सुबह को उठ के जाते हैं रिश्का चलाते आ जाते हैं यार। अच्छा अच्छा, तो ये कहो कि दुनिया में आपसे बड़ा मेहनती कोई भी नहीं है। हाँ एक तरफ से बोल सकते हैं ऐसे, क्योंकि यार देखो बीए कंप्लीट करके रिश्का चला रहे थे यार, ये इंडिया का हालत है। अरे ये इंडिया का हालत नहीं, ये आदमी का खुद हालत है। अच्छा भाई कैसे बताओ, थोड़ा हमको भी बताओ, हम भी सीखे। माना बीए करा, एमए करा, कुछ भी करा, ठीक है। हाँ उसके बाद इतनी कंपनियां है, कहीं भी जॉब करो। अरे को एक कंपनी पे गए, वो भाई इंग्लिश में कुछ दिखा के बोल रहे है इसको पढ़ो, तो भाई कैसे पढ़ लेंगे भाई, हम तो उतने पढ़े लिखे ही नहीं है। हम तो बीए करने वाला पढ़ सकता है। अरे भाई पढ़े थे भाई, वैसे ही पढ़े थे भाई, घर में हालत खराब था, वो पढ़ने जाते तो नकल कर करके पास किए थे, तो उतने अच्छे आते नहीं है, तो दिखा के बोले कि ये पढ़ के दिखाओ, तो भोसड़ा कैसे पढ़ ले उसको। अभी सर्टिफिकेट दिखा है तो वो बोल रहे सर्टिफिकेट नहीं, इसको पढ़ के दिखाओ। अच्छा तब क्या कर सकते भाई, अभी देखो साले देख लेते यार, और हिंदी देख लेते कहीं। अरे यार दिखे यार, देखो एक जगह पे मिला था, बोले 6,000 रुपए देगा, क्या कह सकते अभी, तो 6,000 रुपए मिलेगा वो भी बाहर रह के। बोले हाँ 6,000 देगा बोल रहा था, तो 6,000 रुपए में अगर काम कर लू, खाना खाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो घर में क्या लाएंगे। सही बात है, इतने कम में कैसे काम कर लेगा कोई भी। हाँ वही तो भाई, सब कोई काम धंधा मिले तो हमको भी बताओ, तुम फोन दे रहे हो गिफ्ट, अच्छे अच्छे काम करते होंगे। नहीं हमारा तो काम ही है शादी। शादी करवाते हो क्या? शादी नहीं करवाते, हम लोगों की लाइफ बनाते हैं। लोगों की लाइफ बनाते, वही तो शादी करवाते हैं। शादी नहीं करवाते हैं, लोगों की लाइफ सुधारते हैं। जो बेचारा गरीब है एक आर आदमी है उसे काम लगा देते हैं, और क्या है। हमको भी लगा दो भाई, हम भी बहुत गरीब हो यार। अच्छा आपको देखने के बाद ही पता चलेगा आप मजाकली कर रहे हैं या रियल में ही है। रियल में फोन दिला दे यार भाई मेरे को, यार मेरे को बहुत पसंद है। ओहो फोन खरीदने का कभी देने का शौक है आपको? अरे अच्छा देखा है टीवी में एक बार।
अच्छा, चलिए बेहतर है फिर तो। मैं तो यार आपका घर कहाँ पे? दिल्ली के बाजू में कहाँ पे बोले आप? घर कहाँ पे? यहाँ हूँ हापुड़ में। हापुर पे? और भाई वो शादी करवाते? शादी नहीं करवाते तो आपको दूसरी कुछ करवाते? अच्छा, शादी यहीं करवाते हैं भैया, हम लोगों का काम लगाते हैं भैया। लोगों का काम लगाते हैं? ऑफिस क्या काम लगाते हैं हमको भी बताओ थोड़ा, हम भी में सुने। भेजते हैं, जगह जगह हमारे ऑफिस हैं, तो हमारा कांटेक्ट उन ऑफिसों से है, बस बंदे को हम वही भेज देते हैं। अरे क्या बात है, हमको भी यार ले लो उस लाइन पे, पैसे वैसे आ जाएंगे थोड़ा। अच्छा, ऐसे नहीं भैया, यहाँ तो देखो काफी क्वालिटी चाहिए। अब मैं है ना, मैंने बीए किया ना, तुमको बताया, हमें सब क्वालिटी है। बीए किया तो हम आपको कहीं और ऑफिस में भेज देंगे, ये है आपका जॉब लगवा देंगे। अरे क्या बात है यार, हमको कितने ये है कि तनख्वाह आप मिल जा हमारे रही है? साथ नहीं कर सकते, बस क्या कर नहीं कर सकता? मतलब हमारे साथ काम नहीं कर सकते, आपको कहीं भी ऑफिस में किसी भी ऑफिस में लगा देंगे, ये है। अच्छा आप काम मतलब दूसरों का काम लगवा देते हो आप खुद? या। समझ गए, अब तो बड़े इंसान हो यार, क्या बात है। नहीं बड़े नहीं है वो, सब आपकी वो है। अरे क्या बात है सर जी, तो हम कैसे मतलब कैसे काम कर सकते, किस टाइप की काम कर सकते? भाई जिस तरह का व्यक्ति जिस तरह का काम करना चाहे, हर तरह की फैसिलिटी हमारे पास, तो जैसे कि मजदूर लाइन का तो कुछ मेरे को नहीं। बचपन से गेम खेलना बहुत पसंद है, बट कभी मोबाइल खरीद नहीं पाए तो खेल नहीं पाए। ओहो अच्छा, तो ऐसा करिए, अच्छा काम करके एक मोबाइल ही खरीद लीजिए, फिर गेम खेल पाएंगे आप आराम से। अरे नहीं ऐसे कहना, हम तो पैसे भी तो गेम खेलने पे कोई पैसा थोड़ी देता है। गेम खेलने का पैसा नहीं, जो मोबाइल खुद का खरीद लेंगे तो उसमें गेम पूरे दिन खेलेंगे आप। मैंने सोचा कि यार गेम खेलने पे पैसे मिलेंगे, ऐसे कोई काम भी अगर हो जाए। नहीं, ऐसे ऐसे गेम है जिसमें आप काफी रुपया जीत सकती हैं। ड्रीम कैसा गेम है भाई, हमको भी बताओ ना, हम बताओ। इलेवन है, ड्रीम इलेवन? हाँ एक आपका ये आया MPL है, अरे क्या बात है, और क्या है? इन पे दोनों पे आप पैसे जीत सकते हैं। पैसे लगते तो नहीं ना खेलने के लिए? नहीं, ड्रीम इलेवन पे पैसे लगते हैं और MLP में कुछ नहीं लगता है। अच्छा MLB में? MLP सर्च करूँ क्या मैं गूगल पे? MLP? MLP अच्छा MLP मेरे को, अरे MLP नहीं दिखा रहा इधर तो, MPL दिखा रहा है। अच्छा जी, हाँ हाँ यही है तो। अच्छा अच्छा सही है, ठीक, मेरे को भी लग रहा था कहीं गलत है यार। हाँ ठीक है, इसमें ना मैंने पहले 2 रुपए जीते थे बट वो विड्रॉल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, MPL शायद आपके पेटीएम में कोई प्रॉब्लम हो। पेटीएम अकाउंट ही नहीं है, मतलब पेटीएम नंबर, मेरे को लगा फोन नंबर ही पेटीएम नंबर होता है। ओहो, इतनी टैलेंट होने के बाद बेवकूफ हमें बना रहे हैं आप हैं। अरे नहीं सर यार, कहा एक बंदा बोला कि पेटीएम नंबर दो, तो मैंने बोला पेटीएम नंबर क्या होता है, बोला फोन नंबर ही होता है, तो मैंने फोन नंबर डाला था अच्छा, तो बट उधर नहीं आ रहा था पैसे, 2 रुपए आ नहीं रहते, तो मैंने लगा यार खराब है शायद। वैसे क्या काम करते हैं रियल में? रियल में वही तो रिक्शा चलाते हैं। ये रिक्शा तो नहीं चलाने वाला लग रहे हैं आप। अरे क्या बात बोल रहे, अभी रिश्ते की फोटो भेजे का बताओ। जी नहीं यार, अपन के साथ रिश्ते की फोटो भी, अभी बाहर रिश्ते खड़ी है, जस्ट सेल्फी उठा के भेज देंगे। अच्छा चलिए बेहतर है। अरे यार यही तो बोल रहे थे, एक रिश्ता खरीदे है उसका उधार जो एकदम पुख्ता हो जाए तो यार दूसरा एक खरीदेंगे, उसके बाद 2 रिश्ते हो जाएंगे। चलिए आप बढ़ोतरी करते रहें। अरे लेकिन यार क्या है कि रिश्ते में ना अभी पैसे नहीं आते यार, ये बहुत बुरी यार, मतलब पांच रुपए के लिए यार बंदे आजकल इस जमाने पे यार 5 रुपए के लिए झगड़ा करते हैं, बता रहे इतने मेहनत से लेके जाते हैं भाई। वो सिटी की टाइम है दिल्ली की साइड, उधर भाई दिल्ली में जब वो जो मेन सिटी है ना उधर जो है ना, उधर भाई इधर से 2 मीटर भी नहीं जाते भाई, बोलते 50 रुपए निकालो, और हम ही इधर रहते ये जो एकदम कचरे साइड में, इधर भाई 10 किलोमीटर ले चलते हैं यार, फिर भी 5 रुपए नहीं देते साले, झगड़े तो झगड़ने लग रहे यार, नहीं 5 रुपए नहीं देते, 2 रुपए हुए है, अच्छा जी ऐसा सीन चल रहा है, क्या बता है जमाना यार, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बीच में से हम लोग चूतिया करते रहते हैं। अच्छा क्या करे यार, छोटा या मोटा एक काम मिल जाता मजा आ जाता सच में। सबर कीजिए, सबर सबर का फल कभी मीठा नहीं होता, झूठी बकवास है मेरे को तो यही लगता है। अरे फल कैसे चाहिए, सबर करते रहे ना कुछ मिलेगा ही बेटर। अरे मेरे को तो यही लगता था कभी, मेरे का जिंदगी में एक ही शौक था गेम खेलना, वही खेल नहीं पाया। अच्छा, कभी दिल से गेम खेला ही ना होगा। मोबाइल ही नहीं है मेरा भाई, ये फोन है टूटा हुआ, साला चलता नहीं। पबजी इंस्टॉल किया तो साला चलता नहीं, फ्री फायर इंस्टॉल किया तो थोड़ा चली थी, लैग मारे मर गए। अच्छा
क्या बताए, जिंदगी झंड हो गई मेरे भाई। अच्छा चलिए, फिर कभी इंशाल्लाह बात होती है अपनी। अच्छा अच्छा इंशाल्लाह, मतलब कौन सी क्या मतलब क्या, तुम अलग जात के लगते हो मेरे को। यार हम हैं मुस्लिम। अच्छा आप उनको नहीं पता ना इंशाल्लाह के बाद क्या बोलते हैं, तो इसीलिए मैं पूछा। अच्छा अच्छा सॉरी यार उसके लिए, क्योंकि आप उनको पता नहीं है क्या बोलना चाहिए उस जगह पे। कोई बात नहीं, चलो चलो कोई नहीं। कहा रहे तो भाई दबे हापुड़ ठाकुर हापुड़ ठाकुर भाई दबे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको सच में पता नहीं आप कहाँ फोन किए थे? नहीं रॉम नंबर है यार, मैं कहना रहा हूँ नंबर चेक कर रहा था मैं। अच्छा फोन किससे खरीदे थे? फोन ये चोरी का फोन खरीदे। अरे चोरी का फोन है क्या भाई? और क्या यार, डीलर है एक चोर का, उसने कहा अच्छा फोन दिला देंगे अभी कम कीमत में, तुम ले आना। अब हमें क्या मालूम था चोरी का ले आया है। अरे भाई साहब, भाई आपने फोन किया एक गेमर को, मतलब हम यूट्यूब में गेम खेलते। अच्छा और मायने के अच्छे खासे कमा लेते भाई, वैसे कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा चलिए सही है। मैं तो मजाक कर, मैं लग रहा कि कोई मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा फैन वगैरह होगा, क्योंकि मेरा जितने फैंस है ना दिन रात कॉल करते रहते कि एक बार मिलना चाहता हूँ, बिग फैन ऐसे ऐसे, तो मेरे कोई फैन वगैरह होगा। अरे नहीं यार फैन नहीं, हमने तो बस यूं ही देखा। तुमने बहुत मस्त हो यार, मतलब तुमसे बात करके ना मजा आया। तुम्हारी ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ना, इसको मैं यूट्यूब में डालूंगा, अगर तुम देखना चाहो तो मैं तुमको मैसेज कर दूंगा, देख लेना। देखना इस वॉइस रिकॉर्डिंग में कितने बंदे जो है ना इंजॉय करेंगे। अच्छा तो डालिएगा, जरूर डालिएगा। मतलब तुम्हारे जैसे बंदे अगर बात करने में मिल जाए ना, बहुत अच्छे अच्छे बंदे की नसीब किस्मत का मुझे। मतलब मैं सुबह से काम करके अभी क्या बताऊ, अभी ये चिकन विकिन खा के एसी चला के जब लेटा था, इधर लेट के टीवी चलाने वाला था, बट आपका कॉल आ गया। मतलब अभी पूरी रात जो है ना कितना मस्त कटेगी, आपको खुद पता नहीं यार कितना मस्त कटेगी। अरे हमारे अंदर तो ये समझ लो इतनी क्वालिटी है ना कि हम जिस क्षेत्र में भी पैर रख दे। अच्छा वो क्षेत्र हमारा हो जाता है, ये समझ लीजिए। ये तो यही तो आप लोगों का टैलेंट है जो अमीरों में नहीं है। अगर आप ये पहले बता देते तो हम इसमें और मसाला डाल देते, हमें नहीं मालूम था, हम इसलिए कर रहे थे, हम जानकारी लेना चाह रहे थे कि आखिर ये नंबर है किसका। लेकिन वास्तव में ये रॉम नंबर ही है, मैं समझा, हो सकता है मेरा हो। यूट्यूब देखते हैं आप? मैं हर चीज देखता हूँ। अच्छा यूट्यूब में लिखिएगा GSK। GSK हाँ तो मिल जाएगा। अच्छा और मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा आज रात को ही, आप 9:30-10 बजे सर्च कर 10 बजे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। अच्छा ये वीडियो का, ये तो ऑडियो हो गई। हाँ वीडियो मैं लगा दूंगा ना। वीडियो आप लगा देंगे, चलिए बिल्कुल देखते हैं। चलो बहुत अच्छे लगा आपसे बात करके, थैंक यू। नंबर सेव कर लीजिएगा, नाम मेरा गालिब है। अरे अच्छा मैं आप ही करता हूँ, क्या नाम है? अरे कॉल कट होगी क्या? रिको दिखता हूँ, मेरा नाम है गालिब रजा। अच्छा मैं सेव करता हूँ, एड नंबर कहाँ से करते मेरे को पता नहीं, कॉल कट करने के बाद ही मैं ऐड कर सकूंगा। ठीक आलिफ रजन ना? जी गालिब रजा। अच्छा गालिब रजा जी, ओके मैं सेव करना, बहुत अच्छा लगा, फिर कभी बोर होंगे तो कॉल करेंगे आपको। आपका नाम? मेरा नाम है GSK। GSK नाम से कर लेता हूँ। ओके GSK नाम है मेरा। चलिए ठीक है, चलो बाय बाय।